प्रोड्यूस किया है आम के हवाले से? आम के हवाले से एक्चुअली हमारे पास क्योंकि इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं कि हम लोग अपने फ्रेश प्रोडक्ट को हम लोग सेव कर सकें या मार्केट तक, समटाइम होता है कि मार्केट तक जाते जाते भी उसमें काफ़ी डैमेज हो जाते हैं या ख़राब हो जाती हैं या कुछ टाइम रखने से भी ख़राब हो जाते हैं। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस से बचाने के लिए हम लोग ये करते हैं कि उस प्रोडक्ट को हम बाय प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसको हम सेव कर लेते हैं, यानी उसमें हम वैल्यू ऐड कर देते हैं। वैल्यू एडिशन के ज़रिए हम अपने प्रोडक्ट को सेव करते हैं, जिसमें हमारा जो है मैंगो स्क्वाश है, मैंगो जूस है और अचार वगैरह होते हैं जो हम कच्चे आम से बनाते हैं। तो ये इस तरह की प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, अमचूर वगैरह हैं। मैडम, किस तरह से आप इसको प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि नई नस्ल जो है इस तरह आपके इस काम की तरफ सॉरी आप रिपीट करेंगे, नई नस्ल के लिए आप क्या पैगाम देंगे ताकि वो आपके जो काम है उस तरह? हम मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि ये आने वाले बच्चों को भी इसको सीखना चाहिए और इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि एक तो हमारे पास रोज़गार के ज़रिए नहीं है और ये एक बेस्ट बिजनेस के तौर पर भी इसको अपना सकते हैं। मेन मकसद तो यही है। से आए हैं मीर इनायत अली खान, टालपुर फार्म हाउस हमारा नाम है। ये हम वैरायटी लेकर आए, मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी है यहाँ पे। आप देख सकते हैं देसी आम भी लगा हुआ है यहाँ पे, दशहरी है, सिरोली है, सिंधु है। ये मुख्तलिफ देखे ना, ये रताम है, ये वाला ये पगारों के नाम से है। ये पगारों के नाम से क्यों रखा है? ये इसकी वैरायटी का नाम है। कैसे ये प्रोड्यूस की, कैसे क्या ये तो वहाँ का नाम पूरे सिंध में तो वैरायटी कैसे आपने प्रोड्यूस की, क्रॉस किया कैसे किया? हाँ ये तो हमारे लगे हुए देसी में क्रॉस किया है। ये क्या है? तोतापुरी हमारा है, तोतापुरी, तोतापुरी के नाम से है, बहुत मशहूर जिनस है सिंध के अंदर। और कहाँ से करा सकते हैं? ये भी वहाँ पे हमारे जो रखे हुए हैं वो करते हैं कलम वगैरह जो। हाँ, इसका अपना एक होता है वांगन पाली है जैसे, ये एक मुनफरद चीज़ है। ये आपने देखे होंगे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए, मगर ये एक बहुत मुनफरद है। इससे आगे जरदालू लगी हुई है, सदाबहार है, इनायत मैंगो है, इस किस्म की बहुत सारी वैरायटी जो पाकिस्तान में जो मौजूद है, जो पाकिस्तान से बाहर आप सप्लाई करते हैं? नहीं, हम तो बाहर नहीं भेजते, मुख्तलिफ जो हमसे लेकर जाते हैं ना वो इसको बाहर भेजते हैं, पर हमारा तो अपना फार्म है वो उधर ही हम चलाते हैं, इनको वहाँ से आकर ले जाते हैं। एक्सपोर्ट भी बहुत होता है ये चीज़ें। सिंधड़ी तो हमारा पूरे मुल्क में मशहूर है, बहुत बाहर जाता है, एक्सपोर्ट होता है। ये जो हम आपने रखा है आपको नाम रखा है, तो ये तो मेरा ख्याल है कि लोगों ने कम खाते होंगे, मार्केट में कम है, मार्केट में बाहर जाता है। ये बाहर की एक्सपोर्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया और सऊदी में जाता है, दुबई में जाता है, हर जगह पे जाता है। कितने एकड़ में बागा? हमारा 200 एकड़ पे। ये थर के अंदर ये जो हमारा है नौ कोट से आगे जो है ना, अरबाब ऊपर लगा ना फजल्ला फार्म, वहाँ पे ये है हमारा बाग। ये पहला हमारा फ्रूट निकला है, ये जो वेराइटियाँ जो पड़ी है ये वहाँ से आई है, नौ कोट से आगे अरबाब फजल्ला से। वैरायटी ये पड़ी है, चौसा है जी, चौसा है, सिंधड़ी है, अनवर एटोल है, देसी है, और ये सारी वैरायटी है। बिल्कुल जी, रेगिस्तान के अंदर बिल्कुल पॉसिबल है, और हम लोग लगा रहे हैं, और बड़े हमारा 300 एकड़ पे अभी आम वहाँ लगा हुआ है, और आप लोग आके वहाँ देख सकते हैं कि रेगिस्तान में किस, और अच्छी क्वालिटी भी उसकी बहुत बेस्ट है। रेगिस्तान में हर चीज़ हो सकती है, अगर थोड़ा सा पानी की जो है ना सहूलत हो जाए तो हर चीज़ हो सकती है रेगिस्तान में। ये भी हम रेगिस्तान से आए हुए हैं, और वही रेगिस्तान में एग्रीकल्चरल फार्मिंग हो रही है, और वर्ल्ड की बेस्ट हो रही है फार्मिंग वहाँ। देखिए, हमने अभी इम्पोर्ट, हमारे बातचीत चल रही है, हमें जो डिमांड आ रही है वो ज़्यादातर USA से, UAE से, UK से, जर्मनी से और नीदरलैंड से। डिमांड ज़्यादा है और जो है ना वो सप्लाई कम है। सिंध के अंदर इस 2022 का जो सैलाब के बाद की जो अगर सूरत हाल है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलाब आया था, पानी का बहुत ज़्यादा नुकसान थे, बागात बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुतासर हुए, लेकिन उसके बावजूद भी आज यहाँ पे जो सरकारी सतह पर जो यहाँ पे नुमाइश लगाई गई, इसके अंदर आप देखेंगे बेशुमार किस्म के आम हैं। डायरेक्टर इस वक्त फूड जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है, दाल मोहम्मद साहब, हम कोशिश करें कि उनसे पूछे जाएँगे, बताते जाएँगे यहाँ पे कौन कौन सी वैरायटी है और किस जगह पर होती है। सर जी ठीक है, माइक ले, हाँ बताते जाएंगे, बच्चे यही बताता जाएगा। सही सही, मेरा नाम है दाद मोहम्मद बलोच, मैं डायरेक्टर फ्रूट्स हूँ। ये सिंध अल्फांसो है, ये रुपी है, ये ऑस्ट्रेलिया की वैरायटी है। इस स्टॉल पे 200 वैरायटी है।
200 वेरायटी है, 26 हमारी एग्जोटिक है और 10 वेरायटी हमारी पंजाब की है और 2 वेरायटी ऐसी है जो साल में 2 दफ़ा दे फ्रूट देगी, 1 वेरायटी ऐसी है 10 महीना उसमें फ्रूट सेटिंग फ्रूट फ्लावर और फ्रूट मैच्योर है और 1 वेरायटी हमारी ऐसी है जिसमें भी दाने का जो वजन है 1 किलो से भी ज़्यादा है और हमारी 1 वेरायटी ऐसी है जिसमें 1 दरख्त पे 2 दोनों की ग्राफ्ट की है, एक एक्सो भी ऑस्ट्रेलिया की है, एक लिंगडोक माई थाईलैंड की है और दोनों ऐसी वेरायटी है, 4 वेरायटी है, एक दूसरे पे डोमिनेट भी नहीं हुई है जिनकी साइज सही है। ये अनमोल वेरायटी हमारी, इसमें शुगर लो परसेंट है, ये माशाल्लाह लेट वेरायटी है, अगस्त तक मैच्योर होगी, मैच्योर हो जाएगी। ये है पोई लाट, ये पंजाब से हमने कलेक्शन लेके आए, ये काला पहाड़े और ये काला पहाड़ इसके कहते हैं तो इसकी साइज बिल्कुल बड़ी होती है जैसे हम कहते हैं इसके पहाड़े। ये हमारा जरदालू है, ये वैरायटी हमने कलेक्शन की है पंजाब से और ये ओलर, ये हमारी वैरायटी ऑस्ट्रेलिया की है। ये अनमोल जो वो पहले बताया था अनमोल है, ये हमारा सिलेक्शन है, इसको नाम दे दिया मीर खास 8 और इसकी साइज इसकी चमक माशाल्लाह अच्छी है। ये काराबो सुपर मनीला है, ये ऑस्ट्रेलिया की वैरायटी है, ये सब पोश है हमारी लोकल सिलेक्शन है। ये समझदारी का इसको सिंधी में कहते हैं सोनारो, ये लेट वैरायटी है, एक्सपोर्ट एबल वैरायटी है, ये सिंधड़ी है, जो भी हमारी सिंध से एक्सपोर्ट हो रही है 80% सिंधड़ी हो रही है, बाकी दूसरी वैरायटी एक्सपोर्ट हो रही है। ये मुल्तानी है, ये हमने कलेक्शन की है, ये हमारी देसी वैरायटी है, ये बैंगन पाली है, बैंगन शाही है और ये सिलेक्शन है जिसके फी दाने का वजन माशाल्लाह 700-800 ग्राम है। और ये हमारा जमादार वैरायटी है, हमारी सिलेक्शन वैरायटी है, ये खट्टा मीठा वैरायटी है, तुर्सी भी है मीठी भी है और ये हमारी बिल्कुल खास की वैरायटी है और ये खान पंजाब है, ये पंजाब से कलेक्शन की है हमने और ये टोनी एक्टन ऑस्ट्रेलिया की वैरायटी है, ये फिलिपाइन की वैरायटी है, ये कीट है यूएसए की वैरायटी है, ये करेला इसकी जो सब्जी होती है करेला उसके शेप जैसी है जिसको हमने नाम करेला दिया है, ये माया वैरायटी है और ये फिलिपाइन की है और इसकी निशानी नीचे से ये सिम्पल से ये हमारी बार की वैरायटी है, ये जिल वैरायटी है यूएसए की है, ये अनमोल वैरायटी है। और कितना खूबसूरत ये आम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है जी, इसको तो इस बाग के अंदर और भी बहुत सारे फल मौजूद हैं और दरख्त मौजूद हैं और इसके यहाँ पे तकरीबन 200 से ज़्यादा अकसाम के अजनास, ये देखें बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है ये आम का ये बाग और बड़ा ज़बरदस्त अकसाम है। इस वक्त दिन के अंदर जो आम की जो सूरत हाल है उसकी सूरत हाल ये है कि आम आ चुका है और इस वक्त मार्केट के अंदर ये वो अकसाम है जो कि आम आदमी के बस से दूर है, पाकिस्तानी सिर्फ इस आम को जो जिस स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं इनको देख तो सकती है खा नहीं सकती क्योंकि ये तमाम के तमाम जो फ्रूट है ये बैरून ममालिक के लोगों के लिए भेज दिया जाता है और इस तरफ जो सलाब की सूरत हाल है सलाब के बाद की सूरत हाल है तो वो ये सूरत हाल है कि यहाँ पर आम जो है वो आ चुका है और उम्मीद की जाती है कि ये तो आम जो है इसके रेट भी इस वक्त मुनासिब हैं और आने वाले दिनों में अगर हुकूमत है सिंध और हुकूमत पाकिस्तान इस तरफ अगर तवज्जो देगी तो ज़्यादा से ज़्यादा बागात लगाए जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा अजनास जो है वो उसकी पैदावार जो है बहुत सकती है जी।